हेलो YouTube फैम, आप सब कैसे हो। आज के वीडियो में मैं आप सभी को मेरा छोटा सा फूड बिजनेस का जर्नी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इतना दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी। मैं कहाँ बिजी थी, मैं आप सभी को शेयर करना चाहती थी मेरा छोटा सा जर्नी, इसलिए मैं आज वीडियो लेके आई हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मेरा जर्नी स्टार्ट होता है लास्ट ईयर फरवरी से। मैं लास्ट ईयर फरवरी से शॉप के लिए काफ़ी जगह जाती हूँ, हंट करती हूँ, और कुछ कुछ अच्छे भी लगते हैं तो वो मेरे बजट के बाहर होता है, और कुछ मेरे बजट के अंदर होते हैं तो वो जगह फुटफॉल एरिया नहीं होता है, मतलब काफ़ी खाली खाली, ऐसा लगता है कि कोई नहीं आएगा, ऐसा वाला एरिया होता है। लकीली मुझे ये घर के बिल्कुल पास में ये मुझे एक शॉप मिला। और या गाइस, आई नो ये थोड़ा किनारे में है और ये जगह भी थोड़ा छोटा है, बट भी यहाँ में थोड़ा फुटफॉल ज़्यादा है कंपेयर टू मैं लास्ट ईयर से जो ढूंढ रही थी वहाँ पे फुटफॉल लोग इतना इकट्ठा नहीं होते थे। यहाँ इस जगह में थोड़ा बहुत लोग आते हैं, इसलिए मुझे लगा कि स्टार्टिंग में कहीं छोटा से क्यों ना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में हम इसी जगह को अच्छे से यू नो यूज़ करेंगे इस जगह को, इसलिए मेरे पूरे फैमिली आ गए मुझे मदद करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, मेरे फैमिली बहुत सपोर्टिव है इसके मामले में। काफ़ी टाइम लगा बट मनाने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर खुद में भी अगर डाउट रहता है तो हम लोग आगे फैमिली को भी हम प्रूफ नहीं कर पाते कि हम कर लेंगे, लाइक ट्रस्ट मी, हम कर लेंगे या मैं कर लूँगी। इसलिए मैंने भी काफ़ी मतलब हिम्मत जोड़ के मुझे लगा कि ओके, डू और डाई वाला सिचुएशन है, छोटा हो या बड़ा स्टार्ट कर लेते, कुछ तो कर लेते हैं करके मैंने स्टार्ट किया। बिकॉज मैंने 2 साल कॉरपोरेट जॉब किया है MNC कंपनी के साथ, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा टाइप का काम नहीं है, मुझे ये काम छोड़ना है। इसलिए मुझे लगा छोटा हो या कुछ भी हो, खुद का कुछ करना है, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। सो आई होप कि मेरे फैमिली मतलब YouTube फैमिली भी मुझे सपोर्ट करेंगे। सो बिफोर ओपनिंग द शॉप हम लोग यूटेंसिल्स तो सारा खरीद लिया था, बट थोड़े मोड़े कुछ सामान हमने और ख़रीदा। और गाइस, ये है हमारा बैनर, मेरा शॉप का बैनर। मैंने अपना शॉप का नाम रखा है मंचिंग प्लेस फूड स्टार्ट्स एट 50। तो अगर आपको कहीं भी ये बैनर दिख जाएगा तो प्लीज़ मेरे शॉप में आना, और कुछ खाए या ना खाए प्लीज़ विजिट करना, मुझे अच्छा लगेगा कि ओके यू नो। तो हमारा प्यारा पास्टर भी आया था मेरे शॉप के लिए और मेरे लिए प्रे करने के लिए कि शॉप नहीं खुलने से पहले यू नो थोड़ा ब्लेसिंग्स लिया जाए। 1-2 दिन लगे मुझे चीज़ समझने के लिए कि क्या क्या करना है, कब क्या करना है, कौन से टाइम पे क्या करना है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और ये मशीन है, ये दो बहन मेरे, उन लोग ने मुझे गिफ्ट किया, उन लोगों ने अपना स्कॉलरशिप के पैसे से इकट्ठा करके मुझे ये मशीन गिफ्ट किया। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन लोग ने इतना मतलब मेरे बारे में भी सोचा। एक्चुअली मेरे फैमिली और मेरे भाई बहन लोग बहुत सपोर्टिव है इसके मामले में। स्टार्टिंग में तो किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था, इवन मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। मुझे हमेशा अपने आप पर डाउट रहता था कि नहीं कर पाऊँगी, थक जाऊँगी, पर भी मुझे लगा कि डू और डाई वाला सिचुएशन। मेरे बहन ने बोला कि अभी तो इस सिचुएशन में है, डू और डाई, तो मैंने बोला कि ठीक है स्टार्ट करते हैं। लंबी सांस ली और मैंने स्टार्ट कर लिया अपना बिजनेस छोटा सा। तो मैं सुबह सुबह यूजली 5:30 को उठ जाती हूँ, और सुबह सुबह उठ के पहले डो बनाती हूँ, क्योंकि डो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी मेहनत लगता है, और डो को एटलीस्ट 1/2 आवर या 1 आवर के लिए रेस्ट देना पड़ता है। और ये आज मैं बना रही हूँ पोर्क मोमो एंड पोर्क छाव, क्योंकि हमारे नागालो के पीपल और इवन मी, हम नागा लोगों को यू नो छाव और मोमो के अलावा कुछ दिखता नहीं, एंड फ्राइड राइस के अलावा कुछ दिखता नहीं, चाहे कितने भी अलग अलग कॉन्टिनेंटल के फूड या फिर कुछ भी अलग अलग आ जाए हमारे सामने, पर भी हमारा कंफर्ट फूड छाव एंड मोमो ही होता है। तो मैंने अपना मंचिंग प्लेस में भी मेरा मेन जो टारगेट था वो भी मेरा छाव एंड मोमो ही था, इसलिए मैं सुबह सुबह मोमो बनाती हूँ। मोमो शेपिंग करना भी बहुत टास्क है, मुझे कुछ भी नहीं आता, ये मैंने अपने मम्मी और बहन लोग से ही सीखा है मोमो शेप बनाना। स्टार्टिंग में तो काफ़ी गंदा बन रहा था, धीरे धीरे प्रैक्टिस से सुधर रहा था मेरा मोमो शेप का भी। तो अगर आप लोग आओगे मेरे दुकान में तो प्लीज़ मेरा मोमो शेप को एक्सक्यूज़ करना, धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ मोमो शेपिंग का करना भी। तो सारा आधा काम तो मैं घर से करती हूँ, और घर
घर से मैं 10:30 को निकल जाती हूँ, यस। और मैं आपको पूरा रूट दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये तेनाली का पॉपुलर बेकरी है, पॉपुलर बेकरी से आगे जाना है। आगे जाके यहाँ पे बहुत जाना माना एक तेनाली में, इफ आई एम नॉट मिस्टेक, सिर्फ एक ही पार्लर है, सैलॉन। वहाँ पे उस सैलॉन के ऑपोजिट में ही मेरा छोटा सा शॉप है। मैंने इवन बैनर भी बाहर लटका दिया कि लोगों को दिख जाए ओके यहाँ पे कुछ खाने का सामान मिलता है, इसलिए क्योंकि मेरी दुकान अंदर में है ना गाइस, इसलिए मैंने बड़ा सा बैनर भी लगा दिया है कि लोगों को दिख जाए यहाँ पे कुछ मिलता है करके। तो मैं दुकान खोल लेती हूँ 10:30 ऐसे या फिर 10 o'clock को। टमाटर जला के डाला है, मिर्ची जला के डाला है, गार्लिक एंड या दैट्स इट, नींबू। Thank you.
तो गाइस देखते देखते शाम हो गया और शाम के वक्त काफ़ी ठंड बढ़ जाती है दिमापुर में, तो इसलिए हम जल्दी बंद कर लेते हैं अपना शॉप। और साथ में हमारा क्यूट लिटिल कस्टमर ऊपर में रहते हैं, ये लोग रेंट में खेल रहे थे, तो मैंने उन लोग को बुलाया कि आ जाओ मैं तुम लोग को मोमो खिलाती हूँ। काफी Who are the real customer here? You are not my real customer. You are not going to pay. We are going to give you a real cash now. Achha, such what? हाँ, सच्ची. अच्छा. खा ले, क्या याद रखोगे तुम लोग? अच्छा, मेरे को ज़्यादा आँखों का. क्या बोला? दोनों को यार मेरी चटनी है. नहीं आंटी, मुझे तो वही अपनी की नहीं दिशे सो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जल्दी मिलूंगी आपको। एंड या अगर आपको मेरे हाथ का डिलीशियस मोमो खाना है तो आप ज़रूर विजिट करना। हम मिलेंगे, बातें करेंगे, चिट चैट करेंगे और गप्पे शप्पे मारेंगे। एंड या आई विल सी यू सून। एंड या मैं होप करती हूँ आप लोगों को कि मैं आप लोगों को भी देख सकूँ। सो या स्टे सेफ, बाय बाय, या गुड नाइट, लव यू ऑल।